Dear students, a very good morning to one and all. In last lectures we have covered all about the stress and strain, that means जो मॉस जिसके इर्द गिर्द घूमती है देखा जाए, ठीक है, दैट मीन्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, बेसिक फिनोमेना है आपका, चाहे आपका वो मटेरियल की प्रॉपर्टी को लेकर के हो, चाहे आपका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर को लेकर के हो, ठीक है। जैसे कि आपने स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर देखा किसके लिए, माइल्ड स्टील के लिए, उसके साथ साथ आपका दैट मीन माइल्ड स्टील कैसा है, दैट मीन्स डक्टाइल मटेरियल के लिए, या मैं कहूँ लो कार्बन स्टील के लिए, ओके। उसके साथ साथ ही हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए, ओके। हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस पढ़े, हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स पढ़ी, ओके। उसके साथ साथ बल्क मॉडल्स पढ़ा हमने, पॉइजन रेशियो क्या होता है ये पढ़ा हमने ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है ये पढ़ा। आज जो हम लोग आपका ये जो कॉन्सेप्ट आपने अभी तक कंप्लीट किए हैं, इसके आपका जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ठीक है ना, दैट मीन्स न्यूमेरिकल्स करेंगे बेसिकली आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेकर के, ओके, क्लियर है। तो आपको डेटा दिया हुआ है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आप ध्यान दे रहा, द फॉलोइंग डेटा रिफर्स टू अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन टेस्टेड इन लेबोरेटरी, दैट मीन जो हमने आपका माइल्ड स्टील का जो हमने स्पेसिमेन लिया था उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट प्रोसीजर करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायमीटर ऑफ द स्पेसिमेन है वो कितना आपका दिया है, आपका यहाँ पे 25 mm, आप देखिए ध्यान से, डायमीटर आपका दिया है कितना, 25 mm दिया हुआ है, ओके। लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन कितना है आपका, 300 mm है। एक्सटेंशन अंडर लोड ऑफ 15 kN, दैट मीन जब उस पर 15 kN का लोड लग रहा है तो उस टाइम पे जो आपका एक्सटेंशन है, दैट मीन जो डेल्टा एल दिखाया गया है, दैट इज़ द 0.045 mm, क्लियर है। लोड एट यील्ड पॉइंट, देखिए जहाँ पे यील्डिंग हो रही है आपका, यील्डिंग स्टार्ट होती है, ठीक है ना, तो उस समय आपका लोडिंग कितनी है आपका, उस समय आपका 127.65 kN है, क्लियर है। लोड एट यील्ड पॉइंट हो गया, मैक्सिमम लोड क्या है आपका, मैक्सिमम लोड का मतलब होता है आपका एट द टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन, दैट मीन्स आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे, आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम लोड कितना है, दैट इज द 208.6 kN। लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन आपका दिया है आफ्टर फेलियर, फेलियर होने के बाद भी आपका जो इसकी जो स्ट्रेंथ आपका, इसकी जो लेंथ पहुंचती है 375 mm पहुंचती है, याद रखिएगा 300 mm क्या आपका स्पेसिमेन की आपका लेंथ है, बट आफ्टर फेलियर कितनी हो जा रही है आपका 375 mm, ओके। नेक डायमीटर, दैट मीन्स जो आपका नेकिंग होती है ड्यूरिंग आपका डिफॉर्मेशन, जब आपका यील्डिंग स्टार्ट होती है, ठीक है ना, जब आपका फेलियर के टाइम पे, दैट मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट के बाद वहाँ पे जब यील्डिंग स्टार्ट होती है, तो उस समय जो आपका नेक का डायमीटर कितना है, 17.75 mm है, क्लियर है। डिटरमाइंड यंग्स मॉडल्स, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, परसेंटेज एलोंगेशन, रिडक्शन इन एरिया, सेफ और परमिसेबल स्ट्रेस एडॉप्टिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू, तो ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसका करने का तरीका ये है कि जो गिवन पैरामीटर है वो आप नोट कर लें। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपका, सबसे पहले आपका डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन दिया है कितना, 25 mm, तो डी नॉट आपका कितना हो गया, 25 mm हो गया। फाइनल डायमीटर देखिए कितना है आपका, 17.75, दैट मीन्स जब ये कब हो रहा है आपका, जब नेकिंग हो रही है, डिफॉर्मेशन होने जा रहा है, परमानेंट डिफॉर्म फ्रैक्चर पॉइंट के टाइम पे आपका, उसका डायमीटर कितना है नेक का, 17.75 mm है, तो डीएफ दिया हुआ है आपका 17.75। एल नॉट, दैट मीन्स इनिशियल आपको जो लेंथ है आपका 300 mm है। फाइनल लेंथ कितना होती है आपका, फाइनल लेंथ कितनी है आपका, 375, दैट मीन्स आपका आफ्टर फेलियर जो लेंथ है आपका 375 mm है। हाँ, एलोंगेशन दिया हुआ है डेल्टा एल, कि जब हम आपका उसमें, जब हम 15 kN का लोड लगा रहे होते हैं, उस टाइम पे जो एलोंगेशन हो रहा है आपका वो 0.045 mm हो रहा है, दैट मीन्स जब डेल एल बाई एल करेंगे स्ट्रेन के लिए, तो वहाँ पे आपका ये 0.045 आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ओके। हाँ, मैक्सिमम स्ट्रेस आपका एफ मैक्स दिया है आपका 208.60 kN, ठीक है, दैट मीन्स आपका मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा, क्लियर है। उसके साथ आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है आपका 2, ओके। बाकी सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, तो क्या क्या निकालना है ध्यान दे जरा। सबसे पहले आपका यंग्स मॉडल्स निकालना है, तो ध्यान दे जरा, यंग्स मॉडल्स निकालने के लिए आप थोड़ा सा फोकस करें। यंग्स मॉडल्स आपको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू द ई एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यदि आप उसका फॉलो करेंगे तो क्या होगा, यदि आपको स्ट्रेस पता है, यदि आपको स्ट्रेन पता है, ठीक है, तो यहाँ से आप यंग्स मॉडल्स निकाल लेंगे, तो यंग्स मॉडल्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
तो सबसे पहले फोकस क्या होना चाहिए, स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन एरिया। तो लोड तो आपको पता है, तो फोकस किस पे आएगा, एरिया पे आएगा। तो जब आप स्ट्रेस निकाल लेंगे तो फिर यहाँ से इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ से आपका ई निकाल लेंगे, तो आप यहाँ से यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे। चलिए देखें एरिया क्या होगा, दैट इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है आपका, तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर होता है, तो पाई बाई फोर डी नॉट स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल आपका जो डायमीटर कितना था आपका 25 mm, तो इससे कितना सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 490.87 mm² आ गया। आफ्टर दैट जब आपका एरिया आ जाएगा तो अब क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से आप स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज़ द लोड अपॉन एरिया। ठीक है, तो लोड कितना है आपका, 15 kN दिया हुआ है, 15 kN का लोड लग रहा है आपका। एरिया आपको निकाल लिया अपने 490.87, 490.87 इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, स्ट्रेस कितना आ गया, 30.55 N/mm². ध्यान दीजिएगा ये न्यूटन में है, क्योंकि यहाँ पे 10³ आपका जो किलो न्यूटन था आपका उसको हमने कंसीडर कर लिया है, दैट मीन्स न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर है यहाँ तक। जब आपने स्ट्रेस निकाल लिया तो ऑब्वियसली बात, जब स्ट्रेस आप निकाल लेंगे तो स्ट्रेन की बारी आएगी, क्योंकि तभी तो आप वहाँ पे हुक्स लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द डेल्टा एल बाई एल, दैट मीन्स कितना एलोंगेशन हो रहा है आपका, 0.045 mm का एलोंगेशन हो रहा है, लेंथ कितनी है आपका 300, तो 0.045 / 300 करेंगे तो यहाँ से 1.5 × 10⁻⁴, ये स्ट्रेन आ गई। स्ट्रेन क्या है आपका, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि आपको पता है डेल्टा एल ये भी किस में आपका mm में है, और जो आपका L है नीचे ये भी mm में है, तो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, ये यूनिटलेस हो जाएगा। क्लियर है, तो स्ट्रेन आपने यहाँ से निकाला कितना, 1.5 × 10⁻⁴, तो स्ट्रेस भी निकल गया और स्ट्रेन भी निकल गया। तो सिंपल से क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस बराबर, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन कर देंगे यहाँ से, और आप यहाँ से दैट मीन्स जो आपको चाहिए, क्या चाहिए, यंग्स मॉडुलस यानी कि ई की वैल्यू, देखिए यहाँ पर ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे कर रखा है, ई इक्वल टू सिग्मा बाई ई वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू आ गई 203 × 0.66 × 10⁻³। तो यंग्स मॉडुलस निकल गया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या पूछ रहा है, सेकेंड वन इज द यंग्स मॉडुलस का पूछ रहा है ईल्ड स्ट्रेस, दैट मीन्स ईल्डिंग के टाइम पे आपका वहाँ पे ईल्ड स्ट्रेस कितना है। ठीक है ना, तो जब आपका ईल्डिंग हो रही है, ठीक है ना, उस टाइम पे आपका लोड कितना है, ठीक है, ये आपका मैटर करता है। तो ईल्ड स्ट्रेस के लिए सिंपल सा है, ईल्ड स्ट्रेस के लिए क्या हो जाएगा आपका, लोड अपॉन एरिया। तो ईल्डिंग के टाइम पे आपका यहाँ पे देखिए, जब ईल्डिंग के टाइम पे लोड कितना है, देखिए आपका ध्यान से, ईल्डिंग के टाइम पे आपका लोड कितना है, यहाँ पे लोड एट ईल्ड पॉइंट साफ साफ गिवन है, कितना हो रहा आपका 127.65। क्लियर है, ईल्डिंग के टाइम पे लोड कितना हो गया आपका, 127.65 हो गया, और एरिया तो आपने पहले ही निकाल रखा है, कितना है आपका 490.87। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो सिंपल आपका ईल्ड स्ट्रेंथ निकल जाएगा, ईल्ड स्ट्रेस कह ले या ईल्ड स्ट्रेंथ कह ले, ईल्ड स्ट्रेस कहेंगे तो सिग्मा वाई, ईल्ड स्ट्रेंथ कहेंगे तो एस वाई टी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है। तो एस वाई टी आपने ईल्ड स्ट्रेस निकाल लिया। अब हम बात करें किसके बारे में, अल्टीमेट स्ट्रेस के बारे में, याद करो अल्टीमेट स्ट्रेस का, याद करो अल्टीमेट स्ट्रेस, ये आपका ऐसा जाता था, ये ऐसे आ करके, ये ऐसे और ये आपका, दैट मीन्स ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट, इसे बोलते हैं आपका अल्टीमेट स्ट्रेस, सिग्मा यू या एस यू टी। तो एस यू टी यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस आपका यहाँ पे लगता है, मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी होती है, और मैक्सिमम लोड आपको दे रखा है कितना है, ये 208, ध्यान दे रहा, मैक्सिमम लोड कितना है आपका यहाँ पे 208.6। क्लियर है, 208.6। तो स्ट्रेस बराबर कितना हो जाएगा आपका, लोड अपॉन एरिया। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, एस यू टी आपका निकल जाएगा या सिग्मा यू निकल जाएगा 424.95 N/mm². क्लियर है ये। चलें अब बात करेंगे परसेंटेज एलोंगेशन की, ठीक है। तो परसेंटेज एलोंगेशन के लिए लास्ट जो लेक्चर था उसमें क्लियर कर दिया था मैंने, दैट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 100। तो चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो वही यहाँ पे दिया गया है आपका LF - LI / LI। तो फाइनल लेंथ कितना हो रही है आपका, फ्रैक्चर के बाद 375 हो रही है, इनिशियल आपका 300 है, डिवाइडेड बाई 300, तो आपका 75/300 × 100, यानी कि आपका 75 में से आपका 3 से डिवाइड कर देंगे, सीधे से 25 आ जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा चीज़ें। तो परसेंटेज एलोंगेशन आ गया, चलें आगे बात करेंगे परसेंटेज रिडक्शन इन द एरिया, ठीक है ना। तो परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया क्या हो जाएगा, इसमें मैंने बताया था आपका जो रिडक्शन होगा, तो ऑब्वियसली बताया इनिशियल एरिया ज़्यादा रहेगा और फाइनल एरिया कम रहेगा,
ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मान लिया देखो, ये कोई आपका, ये कोई स्टेप बार ले लिया, मतलब कोई सॉरी कोई आपका सर्कुलर शाफ्ट या बार ले लो कोई, ठीक है। अब लोड यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग लगता है, ठीक है। जब लोड आपका टेंसाइल लोड मान लगाते हैं तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यदि एल लेंथ है आपका तो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आएगा, तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, मान लिया कितना हो गया एल प्लस, ये चीज़ मैंने कई बार बता दी है आपको, एल प्लस डेल्टा एल आ गया। तो जैसे आपका लेंथ इंक्रीज करेगी तो साथ ही साथ क्या होगा, उसका डायमीटर भी डिक्रीज करेगा। तो डायमीटर मान लिया पहले कितना था आपका, ये डी था, तो अब कितना हो जाएगा, डिक्रीमेंट होने के बाद कितना बचा, ये डी माइनस डेल डी बचा। तो ऑब्वियस ही बात है, पहले डायमीटर क्या था आपका, ज़्यादा था, बाद में कम हो गया, यानी इनिशियल डायमीटर क्या है आपका, ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए क्या हो जाएगा, ए आई माइनस ए एफ, क्योंकि डायमीटर पे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया डिपेंड करता है ना, क्योंकि एरिया क्या है आपका, दैट इज द पाई बाई फोर क्या है, ये डी स्क्वायर ही तो है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो एरिया है किस पे डिपेंड करता है, टोटल डायमीटर पे। तो इनिशियल डायमीटर आपका ज़्यादा है, इसलिए क्या करेंगे, ए आई लेंगे, ए आई माइनस आपका ए एफ, फाइनल एरिया माइनस सॉरी इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइडेड बाई इनिशियल एरिया, क्लियर है। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, आप ए आई पहले निकाल चुके हैं कितना, 490.87, याद करें जरा, इनिशियल एरिया आपने कितना निकाला था यहाँ पे, 490.87, ओके। अब बात आती है क्या इनिशियल एरिया के लिए, सॉरी फाइनल एरिया के लिए, फाइनल एरिया आप निकाल लें कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखें, ए एफ इक्वल टू पाई बाई फोर डी एफ स्क्वायर। तो डायमीटर एट द टाइम ऑफ नेकिंग कितना है आपका, 17.75, आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो 70 इसको आपको सॉल्व करेंगे तो 247.44 आ गया। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे आपका यहाँ पे, तो परसेंटेज रिडक्शन आपका निकल जाएगा, परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द एरिया। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा परसेंटेज, क्या क्या पूछ रखा था आपका यहाँ पे, देखिए क्या क्या कहा तक हो गया आपका, परसेंटेज लॉकिंगेशन आ गया, परसेंटेज रिडक्शन आ गया, अच्छा सेफ और परमिसिबल स्ट्रेस एडॉप्टिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू, अच्छा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपका, मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस एक्चुअली दो तरीके से निकालते हैं, आपका यील्ड स्ट्रेस भी आपका मैक्सिमम हो सकता है और अल्टीमेट स्ट्रेस भी मैक्सिमम हो सकता है, दैट मीन डिफॉर्मेशन के केस में, यदि डक्टाइल मटेरियल है तो वहाँ पे जो डिफॉर्मेशन होता है दैट मीन्स वो आपका यील्डिंग पे ही हो जाता है, जबकि यदि हम लोग ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं तो ये एसयूटी पे आपका डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो लेते हुए हम क्या करेंगे, इसके लिए काम करेंगे, किसके लिए, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। चलें तो आपको पता है, देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला क्या होता है आपका, अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेस अपॉन में आपका वर्किंग और अलाउबल और डिज़ाइन स्ट्रेस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता है दो है, तो यहाँ से वर्किंग या अलाउबल स्ट्रेस आपको निकालना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन दे हैव आस्क फॉर द सेफ परमिसिबल स्ट्रेस, सेफ परमिसिबल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं आपका, तो मोर सेफ कौन सा है आपका, ध्यान से देखें आपको यहाँ पे, मोर सेफ ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे यील्डिंग ही पॉसिबल नहीं होगी तो वहाँ पे, मतलब कि जब यील्ड में ही हम लोग सेफ मान के चलें तो आपको ऑब्वियस सी बात है वो एसयूटी में तो सेफ रहेगा ही रहेगा, अल्टीमेट स्ट्रेस पे तो सेफ रहेगा रहेगा। तो मोर सेफ के लिए हम लोग क्या लेंगे, एसवाईटी लेंगे, या फिर यदि आप मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस की बात करते तो उस समय क्या लेते हैं आपका, अल्टीमेट स्ट्रेस लेते। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, फॉर द सेफ परमिसिबल स्ट्रेस के लिए तो हम क्या कंसीडर करेंगे, एसवाईटी यानी कि यील्ड स्ट्रेस को कंसीडर करेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ से आप एफओएस निकाल लें तो क्या हो जाएगा, एफओएस बराबर यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग और अलाउबल स्ट्रेस। एफओएस आपको पता है दो है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्किंग इधर आ जाएगा और एफओएस नीचे आ जाएगा, तो वर्किंग और अलाउबल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, वर्किंग और अलाउबल या डिजाइन स्ट्रेस कितना हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस कितना आया था, 260.4, देखें आप ऊपर से यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई 260.04 आ चुका है ना, तो 260.04 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे आपका, वर्क फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो कितनी है पर दो है, तो यहाँ से कितना आ गया, जो वर्किंग स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस कितना होगा, 130.02 होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, हाँ जी। समझने के लिए आपका एक ही पैटर्न सफिशियंट है, तो अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा, बट आज के लिए इतना ही, ओके। हम डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ओके।
सो थैंक यू सो मच.